भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव बिहार लालू प्रसाद यादव से सहानुभूति से मिलने गए हैं या बड़े भ्रष्टाचार से बचने के गुर सीखने गए हैं। अखिलेश यादव खुद को बताते हैं शूद्र जबकि वो क्षत्रिय होंगे। मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गई हैं। कुछ दिन में सुना है कि अखिलेश यादव जी भी मिलने जाएंगे, तो भगवान जाने ये लोग सिंपैथी बस जाएंगे या फिर लालू जी से सीखने जाएंगे कितना भारी भ्रष्टाचार करके भी कैसे बचा जाता है। दूसरी रही बात, अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी के एक मंत्री वो शूद्र हैं। अखिलेश जी, आखिर ये शूद्र की परिभाषा क्या है? मैंने तो जितना पढ़ा है कि हमारे वर्ग को चार वर्गों में बांटा गया था, हमारे धर्म को, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, माने एक पिताजी की चार संतानें हैं तो उसमें एक बड़ा यदि पढ़ाई में है, पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण होता था, दूसरा यदि लड़ाई में है, बलिष्ठ है तो क्षत्रिय होता था, एक तीसरा यदि वो बिजनेस में है, व्यापार करता था, उसको वैश्य कहते थे, और चौथा यदि अन्य कार्य में था तो उसको शूद्र कहा जाता था। तो कुल मिलाकर यदि अखिलेश जी आप कैसे शूद्र हैं, आप तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं तो आप यदुवंशी क्षत्रिय हैं, आप केशव प्रसाद मौर्य जी की आप जाति पूछ रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज तो माने क्षत्रिय हुए। तो कुल मिलाकर अपने समाज में जितनी भी जातियां हैं वो सभी जाति किसी न किसी राजवंश से निकली हुई है, और आप आज के परिवेश में भी अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये मानसिक दिवालियापन से अधिक कुछ नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।